अब हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर था कि इनकंप्लीट ट्रांसफर था? अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं तो यहां पे क्या हमने बात डिस्कस करी थी? शेयरिंग बात करी थी। इसमें कोई ट्रांसफर नहीं होता, इसमें क्या होता है? शेयरिंग इज द केयरिंग। शेयर करिए, केयर करिए। अब शेयरिंग जो होती है वो इस बात पर निर्भर करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जो है मियां और बीवी हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, जनवरी का महीना है और धीरे धीरे कुछ रोमांटिक महीना फरवरी का आने वाला है जिसमें हॉर्मोन्स का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और हम किसी के सपनों के राजकुमार खुद को फील करते हैं या हमें कोई रानी लगने लगती है, तो उसमें अगर आप सेम लेवल के लोग हैं, सेम एज ग्रुप के हैं, तो शेयरिंग इक्वल होती है। एक बाइट तुम खाओ बेटा और एक बाइट हम खा लेते हैं, ये बराबर की केयरिंग है। इसमें ना कोई ज्यादा खाता है ना कम खाता है। लेकिन अगर आप एक चॉकलेट पिताजी लेके आ गए और एक लेवल पे आपका बड़ा भाई या बड़ी सिस्टर है और एक आप है, तो उसमें जो शेयरिंग होती आइसक्रीम की या चॉकलेट की, वो इक्वल होगी कि अनइक्वल होगी? अनइक्वल होगी। जो ज्यादा पावरफुल होगा अपने तरफ चॉकलेट या आइसक्रीम को ज्यादा रख लेगा। सेम जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ये भी इसी बात पर निर्भर करता है कि दोनों जो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं वो इक्वल शेयर कर रहे हैं या कोई ज्यादा अपनी तरफ खींच ले जा रहा है। तो शेयरिंग ऑफ द टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो इसी को हम बोलते हैं शेयरिंग इज द केयरिंग। याद रहे कि इसमें जो शेयरिंग होती है वो आपकी कैसे हो सकती है? अनइक्वल हो सकती है या शेयरिंग जो हो सकती है वो इक्वल भी हो सकती है। अब ये दो चीजों पर निर्भर करता है। अगर एक मॉलिक्यूल है या एक एटम है, दूसरा एटम है, अगर दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा ई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये वैल्यू जीरो होगी, मतलब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, उस केसेस में आप कैसा शो करेंगे? उस केसेस में आप शो करेंगे कि इक्वल शेयरिंग होगी। ठीक है, तो दिस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसका एक बेसिक केस में शो करता हूं कि अगर ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट जीरो है या नियर बाय जीरो है, रेंज इसका होता है जीरो से लेकर 0.9 तक। कितना शो किया जाता है? जीरो से लेकर 0.9 तक। अगर ऐसा है तो इस केसेस में जो होता है वो इक्वल शेयरिंग होगी। लेकिन अगर ये वैल्यू 0.9 से ज्यादा हो जाए, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.9 से ज्यादा हो जाए, तो अब शेयरिंग कैसी हो जाएगी? अनइक्वल हो जाएगी। और जब इक्वल शेयरिंग होगी तो क्या किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, किसी के पास कम होगा या दोनों के पास बराबर होगा? बराबर होगा। जब बराबर होगा तो इसमें कोई पोलैरिटी देखने को मिलेगी या ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होंगे। लेकिन क्या अगर हम बात करते हैं कि अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो शेयरिंग है, कोई अपनी तरफ ज्यादा कोई रखेगा कोई कम रखेगा, तो उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो एक पोलैरिटी में डेवलप नहीं होगा कम से लेकर ज्यादा की तरफ, तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बोलोगे? पोलर। ठीक है, तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसा हो रहा हो, इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल हो रहा हो। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसी हो रही हो? इक्वल मैनर में हो रही हो। ठीक है, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये चीजें मेंशन करी हुई थी और इसका जो है एक मैंने क्वेश्चन कल करा दिया था, ये क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, अब इसी में एक कोवेलेंट बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। आपने कभी सुना होगा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। याद रखिए, मैं केमिस्ट्री में पूरी केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं उतनी ही चीजें आपको मेंशन करूंगा और इतना मेंशन कर दूंगा कि जो आपके बायोकेमिस्ट्री के लिए इनफ होगी। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जब बात करते हैं तो उसमें तीन हाइब्रिडाइजेशन को आप मेंशन करते हैं, sp3, sp2 एंड sp1। दिस इज द बेसिक थिंग्स। याद रहे कि जब एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन जो है वो चार के चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, कार्बन के पास चार वैलेंसी होती है, और जब कार्बन के पास चार वैलेंसी है जनाब, तो अगर चारों के चारों वो सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, अगर चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा हो वो, तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या बोलते हैं? sp3। पढ़ा है ना केमिस्ट्री में बचपन में, अगर चारों के चारों जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाए तो ऐसे केसेस को आप बोलते हैं sp3। इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की
या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के जो ये बॉन्ड बने हैं वो सिंगल बॉन्ड बने हैं या डबल बने हैं जनाब? सिंगल बने हैं। अब सिंगल बने हैं तो इसकी कुछ बॉन्ड एनर्जी होगी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब इतनी एनर्जी जो उस बॉन्ड को तोड़ सके। तो इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी मानी गई है? 105 किलो कैलोरी, यानी 105 किलो कैलोरी अगर इसे मिल जाए तो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन, बिखर जाएगा, राइट? अब सवाल आता है कि अगर सी और सी के बीच में देखिए डबल बॉन्ड आ गया। अब जब सी और सी दो डबल बॉन्ड यहां बना लेता है तो इसके पास अब जो है दो ही बॉन्ड जो है बेसिक तौर पे बना सकता है वो हाइड्रोजन से। तो अगर सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड आ गया या सी और किसी और मॉलिक्यूल के बीच में, तो ऐसे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसा शो करते हैं? sp2। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है इनका शेप या तो आप कैसा शो करते हैं? टेट्राहेड्रल शो करते हैं या तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब कुछ ऐसा, या पिरामिड का मतलब कुछ ऐसा, जैसे अमोनिया में आप देखते हैं टेट्राहेड्रल आपको किसमें मिलेगा? CH4 में। और पिरामिड कैसा मिलता है? NH3 में। सुना है कभी ऐसी कहानी पढ़ी होंगी आपने, ठीक। अब जैसे ही C2 आ जाता है, C यानी डबल बॉन्ड आया, sp2 आ जाता है, तो इसका जो नेचर आप शो करते हैं प्लेनर शो करते हैं। कैसा शो करेंगे? प्लेनर। अच्छा, जो ये प्लेनर होगा, मुझे एक बात बताइए कि इस ये प्लेनर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी इस सिंगल बॉन्ड से थोड़ी सी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 5 किलो कैलोरी, लगभग देखा जाए तो 110 हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो जनाब। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पे कैसा बॉन्ड शो कर रहे हो, डबल या ट्रिपल? ट्रिपल बॉन्ड। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा शो करोगे? एसपी। और एसपी कैसे होते हैं? टेट्राहेड्रल होते हैं, प्लेनर होते हैं या लीनियर होते हैं? लीनियर होते हैं। ये हमेशा ध्यान रहे कि एसपी जो होते हैं वो लीनियर होते हैं, वो ना ही प्लेनर होते हैं ना ही प्लेनर तो रहेंगे लेकिन वो लीनियर होते हैं। देखो, ये सभी के सभी एटम एक प्लेन में होंगे, ये सभी इन आउट ऑफ द प्लेन बिलो द प्लेन टेट्राहेड्रल है, ये एक प्लेन में है इस तरीके से, और ये एकदम लीनियर है लाइक दिस वन। ये कहानी होती है किसकी? दैट एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है जनाब? 126 किलो कैलोरी। अगर आपने कल की क्लास रिवाइज करी है जो कि मैंने कहा था, तो अगर कितने लोगों ने कल की क्लास रिवाइज करी है, करके आयो कि नहीं आयो? ठीक है, मैं एक एक करके पूछता हूं क्लास में जो है, फटाफट मैं पकड़ मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है। निशी सोनी, आप मुझे बताइए कि मैंने बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर बताया था, बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी या ज्यादा? सिर्फ निशी बताएंगी, बताइए फटाफट। बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। रिवीजन नहीं करके आए हैं, कोई इस बात पे एग्री करेगा? कोई कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहेगा? अरे बॉन्ड एनर्जी, मैंने इसीलिए बोला था कि रिवीजन करके आना है। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। ये मैं फिर लिख रहा हूं और मैं अगली बार किसी और को पकड़ूंगा। और याद रखिए, इस सबसे आपका नंबर जो है सुपर 30 वाला जो बैच है वो कम होता चला जाएगा। आप अगर परफॉर्मेंस क्लास में नहीं करेंगे, मैं रैंडमली किसी से भी पूछ सकता हूँ शांति से नाम के साथ, और उसे भी बताना पड़ेगा। इसलिए अटेंटिव रहे क्लास में और रिविजन करके आए, चाहे वो टेलीग्राम पे हो चाहे ऐप पे जुड़ रहे हो कहीं पे भी, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती, सीखिएगा जरूर, कल वो गलती रिपीट ना हो। गलती है मतलब हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी और स्टेबिलिटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो मुझे बता दो कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर रखूं, सबसे ज्यादा स्टेबल एसपी स्टेबल होगा सबसे ज्यादा, और उसके बाद कौन होगा? एसपी के बाद sp2, और sp2 के बाद sp आएगा, क्वेश्चन तो कर लोगे कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
अब मैं आपको ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो ऐसे कितने बॉन्ड बनेंगे इसमें? सिंगल, ये बनेगा। और अगर दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड शेयर हो रहे हो? दो दो इलेक्ट्रॉन, दो इस साइड से, दो इस साइड से शेयर हो रहे हो, तो टोटल चार इलेक्ट्रॉन। ऐसे में क्या होगा? डबल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा? तीन इलेक्ट्रॉन इधर से, तीन इधर से शेयर हो, तो इसको क्या बोलेंगे आप? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इसमें बॉन्ड टाइप और एनर्जी शो की गई है, जो मैंने अभी पिछला एसपी वाला हाइब्रिडाइजेशन शो किया। इसमें सिर्फ सीसी का बॉन्ड नहीं है, जैसे सीएच, सी डबल ओ, सी डबल सी, सी एन, सी ट्रिपल एन, एन डबल ओ, उनकी कुछ बॉन्ड एनर्जीज है, सीओ, सीसी, सी ट्रिपल सी, सी एन एंड ऑल। इसमें जब बॉन्ड की एनर्जी आप देखोगे तो सबसे जो कम एनर्जी वाला सबसे कम स्टेबल है, और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, और इसमें कभी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं पूरे केस को थोड़ा ध्यान से विजुलाइज करने, सारा वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, मैं जो मेंशन कर रहा हूं उसको पकड़िएगा, इसमें पूरे वैल्यू को ध्यान दोगे तो वैल्यू है सी सी। ये क्या है? बॉन्ड एनर्जी की बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, बॉन्ड एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, ये बॉन्ड लेंथ मेंशन है। अब जरा बॉन्ड लेंथ का भी कॉन्सेप्ट समझ लो। दो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में अगर एक बॉन्ड होगा तो डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर दो बॉन्ड बनेंगे तो थोड़ा पास खींचेंगे कि नहीं? और क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, थोड़ा और पास आएगा। अगर इनके बीच में तीन बॉन्ड बना तो और पास खींचेगा, यस और नो? द नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ेगा, बॉन्ड का लेंथ घटेगा कि कम होगा? तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड का लेंथ दैट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड का लेंथ कम होगा, या बॉन्ड के स्ट्रेंथ जितना कम होगा बॉन्ड का लेंथ उतना ही ज्यादा होगा। अब बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो था वही तो स्टेबिलिटी से लिंक था, तो आप खुद सोच सकते हैं। इसमें देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सीसी का है, क्योंकि ये सीसी बॉन्ड सबसे कम एनर्जी कैरी करता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। इन सभी में बॉन्ड लेंथ देख लो, OH का कितना कम है, 96। मतलब आप समझ सकते हो कि O और H जो है इनके बीच का बॉन्ड बहुत वीक होगा या बहुत स्ट्रांग होगा? बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है उसको रिलेट करके रखे रहिएगा, कभी क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने अभी पिछली बार बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बताया था, स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, या कभी कभी इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कैसे भी आए कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या कुछ कुछ? ठीक है, चलो। जितने लोग मुझे ऐप पे देख पा रहे हैं आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? टेलीग्राम पे बच्चों के आवाज सुनने से बहुत ज्यादा इश्यू तो नहीं हो रहा है? क्योंकि एक बार पूछ लो भाई, ये क्वेश्चन तब तक करो फटाफट। डन, चलो। तो मुझे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी डी, कौन सा आंसर करोगे? एसपी सबसे ज्यादा, इसमें क्या बोला है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो सबसे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एसपी का, फिर एसपी टू का, फिर एसपी थ्री का। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं, बी ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, राइट? ठीक है, तो चलो चलिए। अभी सब लोग खुश है ना? जिसको ऐप पे देखना है ऐप पे देख रहा है, जिसको टेलीग्राम पे देखना है टेलीग्राम पे देखना है। अब मैं, मुझे लगता है कि अब किसी को ज्यादा तकलीफ होगी नहीं। ठीक है, चलो। तो अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें अनइक्वल शेयरिंग की बात हो रही थी। जब अनइक्वल शेयरिंग की बात करी थी तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करी थी, और ये कुछ बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है वो एक अपडेटेड वैल्यूज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। पहले जो वैल्यूज थे वो थोड़े से बहुत जनरल वैल्यूज थे, आप मतलब अभी भी वही है लगभग। क्लोरीन का वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चार होता है लगभग, आपका ऑक्सीजन 3.5 आप शो करते, नाइट्रोजन 3 जो शो करते, ये एक एग्जैक्ट वैल्यूज है। लेकिन अगर ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी आपको पता हो तो एवरेज वैल्यूज लेके चल सकते हैं। फ्लोरीन की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4, हाइड्रोजन की लगभग 2.2, ठीक है, कार्बन की लगभग 2.5 एंड ऑक्सीजन की लगभग 3.5 है, नाइट्रोजन की लगभग 3 है,
सोडियम की लगभग एक होती है और क्लोरीन की लगभग 3.2 के आसपास होती है, ये है ठीक है। अब मैं इसको जब पूछूंगा तो हर जगह ध्यान होना चाहिए इसमें, खासकर कुछ जैसे जैसे आपके पता होना चाहिए ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कम से कम इतने पते होने चाहिए, जो चौन है CHON, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हैं, मुझे बस इतना बता दीजिए तो मैं मान लूं कि आपको समझ में आ गया, अगर कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है जनाब? 0.3 होगा, ये 2.5 है और ये 2.2 है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 0.3। और जब ये 0.3 है तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ये इक्वल शेयरिंग शो करेंगे कि अनइक्वल शो करेंगे? इक्वल शो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत कम है, इसी वजह से इनमें पोलैरिटी नहीं देखने को मिलती, कार्बन और हाइड्रोजन में पोलैरिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ले लो जरा सा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, लगभग हाइड्रोजन की 2.2। अब आप इसमें जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताओ तो 1.3 है। अब 1.3 है तो ये 0.9 से ज्यादा है, यानी इनमें शेयरिंग कैसी होगी, इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल शेयरिंग होगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास रखना चाहेगा, ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। और इसीलिए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे कैसा होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये पर्टिकुलर केस यहां पे बनेगा। ऐसे केसेस पोलर होंगे कि नॉन पोलर होंगे? पोलर होंगे, पोलर होंगे। ये पोलैरिटी डेवलप हो रही है ना, देखो एक तरफ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये कहानी चल गई। तो जब भी पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात आती है तो उसमें यही अनइक्वल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो रहता है, इक्वल या अनइक्वल शेयरिंग का। आपने एक कॉमन एग्जांपल सुना होगा पानी का, वाटर, H2O। वाटर को आप कैसा शो करते हैं, पोलर की नॉन पोलर? क्यों पोलर शो करें? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन की है 2.2। इलेक्ट्रॉन की जो है डिफरेंसेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस ज्यादा है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा किस पे? ऑक्सीजन के ऊपर। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी किस पे? हाइड्रोजन के ऊपर। नाउ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका नेचर क्या शो करेंगे, दैट इज पोलर। आप मीथेन का नाम सुने हुए? मीथेन में एक होता है कार्बन और एक होता है हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन कैसे है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2.5 और 2.2, अरे बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और इसलिए इसको आप कैसा कंसिडर करते हैं? नॉन पोलर, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा कंसीडर किया जाएगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू है 3.5 और यह है 2.5, क्या पोलर होना चाहिए कि नॉन पोलर होना चाहिए? देखो जो CO है, बहुत ध्यान से समझना, यहां पे जो CO है, एक अगर CO होगा तो उसमें पोलरिटी होगी, लेकिन अगर CO2 हो जाता है, जब वो लीनियर होता है तो ये नॉन पोलर हो जाता है। यही पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है जिसको कैंसिलेशन कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई चीज समझिए जरा सा, CO2 ऐसा है, अगर कोई मेरा, अगर मुझे कोई इस तरफ बराबर फोर्स से खींचे और इधर भी बराबर फोर्स से खींचे तो मैं कहीं पे हिल नहीं पाऊंगा, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यही कार्बन के बीच में इस ऑक्सीजन की तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, इसकी तरफ भी सेम फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से जो पोलैरिटी है वो कैंसिल आउट हो जाती है और जिसकी वजह से पूरा CO2, देखो ये वाला बॉन्ड पोलर है, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, इसका पोलैरिटी इधर, इसकी पोलैरिटी इधर, दोनों एक दूसरे को क्या करते, कैंसिल आउट, जिसकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। जब भी किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो, इसे क्या बोलते हैं, पोलैरिटी विद सिमेट्री। जब भी किसी मॉलिक्यूल में क्या हो, सिमेट्री हो, तो इस वजह से, सिमेट्री का मतलब या तो वो लीनियर हो या तो वो ट्राइंगुलर हो, मतलब राइट जो है इस तरीके से आपका पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, या तो वो स्क्वायर जैसा बन रहा हो, अगर ऐसी सिमेट्री है कि उसके जो है चारों दिशाओं में बराबर हो रहा हो, पांच दिशाओं में बराबर हो रहा हो, ऐसे अगर रेगुलर स्ट्रक्चर बना रहा हो वो, तो उस केसेस में जैसे आप कई केसेस की बात करते हैं, ये तीन अगर इस तरीके के ग्रुप जुड़े हुए CF3, ठीक है, तो अब किस केसेस में तीनों फ्लोरीन एक बराबर में खींचेंगे, आप कहेंगे कि पोलर होना चाहिए फ्लोरीन और कार्बन, लेकिन नहीं,
क्योंकि ये जितना कैंसिल आउट करेगा सभी ये दोनों मिलकर कैंसिल आउट कर देंगे, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो लगभग इसी के बराबर हो जाएगा। तो जब सिमेट्री होगी तो उस केसेस में पोलर मॉलिक्यूल या पोलर बॉन्ड मिलके नॉन पोलर हो जाते, क्योंकि वहां पे क्या होती है पोलरिटी कैंसिल आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। समझ में आया क्या? अरे बोलो। तो CO2 पोलर है कि नॉन पोलर है? CO2 नॉन पोलर है, ठीक है। अच्छा CO क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, पोलर होगा। इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज गोइंग टू बी द पोलर नेचर। एंड दैट इज बिकॉज इसी वजह से CO2 जो है वो हमारे ब्लड में कम डिजोल्व होता है, लेकिन हमारे जो ब्लड में CO ज्यादा डिजोल्व होता है। कहते हैं ना रात में अंगूठी जला के नहीं सोना चाहिए, आग जला के नहीं सोना चाहिए, रीजन बीइंग दैट कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, हमारे जो है हीमोग्लोबिन में जाके बाइंड करेगा, रिप्लेस करेगा वो, क्योंकि क्या करता है ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करेगा, कम करेगा तो फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, और पता लगा अगर सही समय पे आप नहीं उठे तो सब्जी पूरी बढ़ सकती है मार्केट में, है ना। इसलिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से बच के रहे। अब आगे बात करने की कोशिश करते हैं, ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसके साथ देखिए SH2 है, अब इसमें क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट इस तरीके से लग रहा है। अब ऐसे बहुत अमोनिया है, कई जगहों पे जो है पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी देखने को मिलता है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर्स। अब ये स्ट्रक्चर देखिए O3 का है, ओजोन का है, और ये स्ट्रक्चर जो है O2 का है। ध्यान दीजिए O3 में एक और ये O3 और O2 कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। O3 कैसा नेचर शो करता है? पोलर। और O2 कैसा शो करता है? नॉन पोलर। क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ पे दोनों, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है। अब ये केमिस्ट्री में आपने इसको भी पढ़ा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब एक अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उस कार्बन से ये इस कार्बन पे भी फोर्स लगाएगा, उसके बाद इसके पीछे वाले कार्बन पे भी लगेगा लेकिन थोड़ा कम लगेगा, उसके पीछे वाले कार्बन पे भी लगेगा लेकिन थोड़ा कम लगेगा। यही इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब कई बार क्या होता है कि जब इंडक्टिव इफेक्ट लग ही नहीं रहा हो, यहाँ पे जीरो हो जा रहा हो, जितना ये इधर खींच रहा उतना वो उधर खींच, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल है और साथ में जो है इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है भाई, 3.5 ये भी है, 3.5 ये भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स है ना, इस पे डबल बॉन्ड है और इस पे सिंगल बॉन्ड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो जीरो से ज्यादा होता है। ये एक मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल नजर आता है, और बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर और बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ये मॉलिक्यूल बिहेव करने लगता है ओजोन पोलर की तरह, ठीक है। तो ऑक्सीजन पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, और जबकि ओजोन पोलर हो जाएगा। एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम आपको ओजोन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों दे देते हैं तो आपके बॉडी में किस गैस की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ओजोन का या जो है ऑक्सीजन का? ओजोन का। अगर दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम रख दिया जाए, दोनों को सेम अमाउंट में आपको इंटेक कराया जाए, तो ओजोन हमारे बॉडी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि तो उसका नेचर कैसा है? पोलर है। गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए जब पानी के अंदर आप जाते हैं, कहां पे? पानी के अंदर, तो पानी में ऑक्सीजन कम होता है क्योंकि पानी पोलर है, ऑक्सीजन नॉन पोलर है। एयर में पोलरिटी, एयर में जो है ऑक्सीजन होता है लेकिन पानी में नहीं होता, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके लिए स्पेसिफिक जो है गिल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि फिशेज में पाया जाता है और कुछ अदर एक्वेटिक एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हो कि सब भूल गए? और ये सबसे खतरनाक हमारा छोटा भाई बड़ा भाई, जिंदगी का सबसे सार वाटर, पानी। हमारी बॉडी में 70% वाटर है, और वो कैसा नेचर शो करता है? पोलर। तो मैं बता चुका हूं इस वाटर के ऊपर ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है और ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसको वी शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना डिग्री होता है? ये 105.5। ये बॉन्ड एंगल जो है दिमाग में रखे रहना, क्योंकि वाटर के बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम, वाटर जो है क्या करता है क्या नहीं करता है इसके बारे में जो है हम अभी और पढ़ेंगे,
लेकिन मैं अभी बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ, वाटर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। इसलिए वाटर की पूरी प्रॉपर्टी पहले बाकी के बॉन्ड को डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद कवर अप करूंगा। तो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड को समझाया, इक्वल अनइक्वल शेयरिंग के ऊपर बात करी, सिमेट्री में कैसे पोलरिटी कैंसिल हो रही थी वो भी मैंने बात किया, ए सिमेट्री में कैसे पोलरिटी डेवलप हो रही थी मैंने वो भी बात किया, ओजोन के केसेस और ऑक्सीजन के केसेस को लेके। तो ये चीजें क्लियर है तो मुझे बताइए यस, और नहीं क्लियर है तो नो के तौर पे जो है आप बोल सकते हैं।